आपका नाम? शेख मकबूल अहमद। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, तो वो वाइफ के उसमें मोबाइल के अंदर वो इस्तेमाल करती हैं तो उसमें देख लेता हूँ। मतलब आप खुद से यूज़ नहीं करते? मेरे पास मोबाइल है मगर मैं इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, आप हमें बताएं कि इंटरनेट के क्या फ़ायदे नुकसान हैं? इंटरनेट देखो एक तरह का कारोबारी लिहाज से, उसके लिहाज से तो बहुत अच्छा है। अगर उसको सही इस्तेमाल करा जाए तो बहुत अच्छी है, अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर गलत ही उसमें नुकसान होते हैं। आप बच्चों को यूज़ करने देते हैं? मैं अपने बेटे को तो समझो अभी बच्चे छोटे हैं मेरे, उसमें इसको इस्तेमाल, बाकी बच्चे ये है कि वो गेम वगैरह उस पर देख लेते हैं तो वो करते हैं बच्चे मेरे। बच्चों को सही अगर वो उस पर बोला जाए कि बेटा ये चीज़ इस्तेमाल करना तो वो नेट उसी पर इस्तेमाल करना चाहिए, वो बात अच्छी है, ठीक है ना। बच्चों को पहले बता दिया जाए बेटा देखो आप यही इस्तेमाल करना और इसी पर रहना, तो ये बहुत अच्छी बात है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान गनी, आप हमें ये बताएं कि आप नेट यूज़ करते हैं? जी। आप मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सही है या गलत है? बस वो तो हालात के मुताबिक है, जिसको मालूमात हासिल करना है या मुल्क के हिसाब से या अपने मुल्क या और ममालिक के हिसाब से तो वो तो सही है, मतलब मालूमात हासिल करना चाहिए, चाहे मौसम के लिहाज से हो या कोई अपना जो है ना हालात के हिसाब से हो, उसमें कोई वो तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई मामला हो जिसको झूठा किया जाए तो ज़ाहिर बात है वो तो गलत बात तो गलत ही होता है ना। लेकिन बहरहाल सच बात सोशल मीडिया पर है कि जो सच बात है वो बात इंसान को हकीकत तक पहुँचा देते हैं, आवाम को जो है मालूम हो जाती है उसके बारे में, तो इसमें कोई गलत वो तो नहीं है। अगर कोई इसमें गलत बयान ही करे या कोई इसमें कोई गलत बयान दे तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल आवाम को अच्छी खबर देना चाहिए अगर किसी को मालूम हो तो उसके बारे में कि यार यहाँ पर हकीकत है, यहाँ सच है, यहाँ झूठ है, तो बताना चाहिए उसको, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बच्चों को इस्तेमाल करने देना चाहिए? अब बच्चों को तो मैं पहला पैगाम ये देता हूँ कि अपने पढ़ाई में तवज्जो रखना चाहिए, कि अपने उसके पढ़ाई है, खेल कूद है, उसके अलावा उम्र के हिसाब से मतलब उसको करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं उसके पढ़ाई के ऊपर असर हो रहा हो या कोई इसमें कोई ऐसा हो कि उसके सही नहीं हो, उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उम्र के लिहाज से उसको मतलब जैसा जैसा उसको उम्र बढ़े तो उसी हिसाब से उसको अगर समझे बात को तो करना चाहिए, कर सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आप अपने घर में अपने बच्चों को अलाउ करते हैं नेट यूज़ करना? सर असल में अपने तो है सोशल मीडिया, अपने आप तो केबल वगैरह तो है नहीं, वालदा जो है वो थोड़ा मना करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन बहरहाल मीडिया के हिसाब से जो है सोशल मीडिया कोई इसमें कोई अच्छी खबर दे या कोई हकीकत बयान करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब उसके साथ जो है बच्चे कोई शौकीन होते हैं तो उसमें इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल जाते हैं, अगर जिसको नहीं करते तो उसको मालूमात नहीं होते फिर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मीडिया का पावर ज़्यादा है या सोशल मीडिया का? इस वक्त तो सोशल मीडिया का ज़्यादा है, उसको जो है जितने बाहर ममालिक से हो या इधर से हो कोई उसको समझ रहा हो तो उसको मालूमात हासिल हो रहा था, सोशल मीडिया का ज़्यादा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नेट यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आप क्या यूज़ करते हैं? टिकटॉक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करता हूँ मैं, फेसबुक भी चलाते हैं, सब ये काम की चीज़ें हैं, मतलब जैसा इस्तेमाल करोगे वैसे ज़रूरत के लिए वैसे सही है, मतलब फालतू इस्तेमाल करोगे तो फालतू है, वैसे काम का भी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नेट इस्तेमाल करने के क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, और मतलब जैसा यूज़ करोगे वैसा मतलब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, बाकी काम के सिलसिले में भी बहुत यूज़ काम आता है, मतलब व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, मतलब मैं तो अपने काम को से यूज़ करता हूँ। जैसा इस्तेमाल करोगे मतलब जैसा खुद होगा बंदा वैसा इस्तेमाल करेगा, तो मतलब नुकसान दे तो नहीं है, और जैसा टाइम चल रहा है जो है मतलब उसके आपसे यूज़ मतलब ज़रूरी होगी, अब तो नेट सोशल मीडिया है सब कुछ, कोई भी चीज़ आपको डालनी है एक मिनट में आप डाल सकते हो, कोई आपके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है आप दो मिनट में मतलब पूरे वर्ल्ड में दिखा सकते हो सबको भाई ये मेरे साथ गलत हो रहा है, एक मिनट में कोई भी कहानी होती है फ़ोन बंदा डाल देता है नेट पर। मतलब आप ये समझते हो कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं? जाहिर सी बात है इसके फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, मतलब यूज़ अपने ऊपर है, यूज़ करने के ऊपर,
लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं इससे, मतलब बाकी कोई नुकसान तो नहीं है इससे? बच्चों को नेट इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, मतलब उनको मोबाइल हाथ में देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, क्या हुआ, कोई मसला नहीं है मोबाइल, और आजकल ये देना क्या चाहिए, मतलब आज हर बच्चा चलाता है, मतलब हर बच्चा खुद मांगता है, और मतलब बच्चों को मतलब समझाए अच्छा बुरा, मतलब कुछ भी है तो जैसा समझाएंगे वैसा वो करेंगे।